मेरे चांद, मेरे लाल, भगवान तुझे सलामत रखे। तू इस लिबास में कितना भला मालूम होता है। आज तेरे पिता तुझे देखकर कितने खुश होंगे। मैं बधाई, सिर्फ इसी दिन के इंतजार में जी रही थी मैं। चार बज गए, मदन के पिता आते ही होंगे। शंकरी, तुम दरवाजे पर चली जाओ और ये सूटकेस भी अपने साथ लेती जाओ। कालक लगा दो, मेरे चांद को नजर ना लग जाए। अपने डैडी को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। अब आप मदन को अपने साथ ले जा सकते हैं। को भी ले गए अपने साथ। उसे जाना ही चाहिए था, मदन को जाना ही पड़ता इस दिन। मगर क्यों, क्या बाबूजी आपसे नाराज हैं? उन्हें मना लिया होता मालकन, पति पत्नी का झगड़ा अच्छा नहीं होता। शंकरी, तू गलत समझे बैठी है। मैं उनकी पत्नी नहीं और ना ही मोहन बाबू मेरे पति। जी, वो आपके पति नहीं तो फिर वो कौन है मालकन? एक बहुत बड़े कलाकार, जिस तरह मोहन की बांसुरी ने राधा का दिल चुराया था, उसी तरह मैं भी इनके संगीत की दीवानी बनी। 6 बरस की बात है, दुनिया ने पहली बार मोहन बाबू का कमाल देखा था। ये ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ है, इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। आज हम आपके सामने एक नया कलाकार पेश करते हैं, मिस्टर मोहन। ये आपको वायलिन पर एक राग सुनाएंगे। वायलिन पर एक राग। राम 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 राम। जाड़ा है कि मुसीबत। तुम बरसात में भी घर चले आए हो, कहीं सर्दी वर्दी लगी तो लंबे पड़ जाओगे भैया। मर खप जाऊं तो पिंटा छूटे। नालायक औलाद के हाथों नाक में दम है। ले एक खुराक पी ले, झटपट छाती साफ हो जाएगी। वो मंजूर घर वापस आया कि नहीं है? फिर वही हरकत, दिन कभी चू चू, रात कभी चू चू। इस तान सहन के चेले को ना कोई काम है ना धंधा, क्या मुसीबत है। क्यों बे, ये क्या मजाक बना रखा है तैने? मैं पूछता हूं, ये घर है क्या मिरासियों का अड्डा? रियाज करने लगा था पिताजी, मैं कलाकार बनना चाहता हूं। तेरे कलाकार की ऐसी जी तैसी, टिंटुनी बजाकर खानदान का नाम चमकाने निकला है। अब ये मीर मुंशी के घराने में इस चीज को कभी किसी ने हाथ भी लगाया था? कल से कलम दबात उठाकर मेरे साथ कचहरी के फाटक पर बैठना होगा। दिन में 2-4 अर्जियां भी घसीट लेगा तो दाल दलिए का सामान हो जाएगा। मुझे अर्जी नवीस नहीं बनना है पिताजी, मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ। तो क्या तेरे बाप दादा का धंधा इज्जत का धंधा नहीं? अकल के अंधे, मुंशी पोपट लाल की ड्योहड़ी पर तो आज भी लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। हाकम की मजाल नहीं,
जो हमारे कलम से लिखी हुई अर्जी को डाल दे। शहर भर के लोग यूं ही झुक झुक कर सलाम नहीं करते तेरे बाप को। कल से यह टुनटुनी छोड़नी पड़ेगी तुझे, क्या समझे? संगीत मेरा जीवन है पिताजी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तेरे बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, यह भान मिरासियों का धंधा मेरे घर में नहीं चल सकता। ये क्या कर दिया पिताजी आपने, मेरा दिल तोड़ डाला है। मैं तेरा सर तोड़ने वाला हूँ, बड़ा आया दिल वाला कहीं से। कान खोल कर सुन ले, कल से कचहरी का फाटक होगा। और तू, ये नामुमकिन है पिताजी, मुझसे ना हो सकेगा ये काम। इनकार करता है बच्चू, जब तक तेरा भेजा दुरुस्त नहीं होता इसी कमरे में कैद रहना पड़ेगा। कल से तेरा बाहर निकलना बंद। जवान बेटे पर सख्ती अच्छी नहीं भैया, कुंडी खोल दो। तू चुप बैठ, ऐसे निखट्टू से तो मैं बे औलाद ही भला था, हराम खोर कहीं का। अब ठीक नहीं हो सकती जनाब, अगर आप चाहें तो मैं नई वायलिन पेश कर सकता हूं। मेरे पास निहायत उम्दा किस्म का मार है। जी हां, ये देखिए, हल्की फुल्की और नफीस, मीठे सुरों में नहाई हुई। वायलिन क्या है, संगीत की रानी है। अच्छी चीज है, बजाकर देखिए, इससे बेहतर वायलिन ना कभी बनी थी ना बन सकती है। जी हाँ, मैं इसकी कीमत पूछ सकता हूँ? सिर्फ 310 रुपए बाराने। 310 रुपए और बाराने, भरोसा रखिए, ज्यादा दाम लेना हमारी दुकान का असूल नहीं। किया माफ कीजिएगा, ये मेरे बस का रोग नहीं। हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ। Thank you.
कुछ 16 घंटा हो गया सेठ, पूरा 16 घंटा। वो नौजवान पत्थर की मापी खड़ा है अलमारी के सामने। वो चूचू करने वाला भाषा है ना सेठ, खाली पीली उसको देखता है। हम 10 बार बोला जाओ बाबा जाओ जाओ, फिर भी नहीं जाता है। अखर रात बरसात होता से, अखर रात वो बीतता, अखर रात हम देखता। हम बोला बाबा तुम कौन है, जवाब नदारत। हम बोला बाबा तुम किधर से आया है, जवाब नदारत। हम बोला बाबा तुम क्या मानता है, जवाब नदारत। अभी क्या करेंगे सेठ, कुछ समझ में नहीं आता है। आप मानते हैं तो उसको पुलिस में देंगे, दूसरा क्या। पुलिस में देने की जरूरत नहीं, हम खुद देखते हैं। देखो से खुद की अपनी आंखों से देखो। क्यों बेटा, तुम कल से इसी जगह खड़े हो, क्या बात है जी? आओ मेरे साथ अंदर चले। अंदर? हाँ, क्या रचे तुम भीगे हुए हो ना, गर्मा गर्म चाय की प्याली से शरीर में जान आ जाएगी। आओ मेरे साथ, आओ ना बेटा। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा है बेटा, जैसे किसी ने मेरे ही जीवन की कहानी मुझे सुना डाली हो। मैंने भी इसी शौक की खातिर घर छोड़ा था। मेरे पिता को भी संगीत से नफरत थी, और मैं भी तुम्हारी तरह किस्मत आजमाने बंबई आया था, मगर कोई कदरदान न मिला। आखिर अपने शौक को जिंदा रखने के लिए मुझे ये धंधा अख्तियार करना पड़ा। खैर, ये तो एक गुजरी हुई कहानी है। तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हासिल हुई है बेटा। है? तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बदन आग की तरह फुक रहा है, कामनी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। बहुत तेज बुखार है, बर्फ की थैली का इंतजाम कीजिए फौरन। ये गोली 4-4 घंटे बाद खिलानी होगी। कंपाउंडर इंजेक्शन तैयार करो फौरन। हालत बिगड़ गई और डबल निमोनिया हो जाने का डर है। ये दवाई मंगवा लीजिए, 3 खुराक आज 3 कल। बहुत अच्छा, जल्दी करो जल्दी। मेरा ख्याल है शाम तक और भी कम हो जाएगा।
चार बज गए, एक खुराक और पिला दो बेटा। साढ़े दस बज गए, अब जाकर आराम करो बेटा, थोड़ी देर मैं और यहां बैठू। क्यों बरखुरदार, अब कैसी है तबीयत? जी अच्छा हूँ, आपने मुझ गरीब पर बड़ा एहसान किया है। ये तो हमारा फर्ज था बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये वही वायलिन है जिसकी खातिर तुम रात भर बरसात में भीगते रहे, अब इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर कबूल करो। तकलीफ न कीजिए, वो तो एक जुनून था मेरा। वो जुनून नहीं, तुम्हारे शौक की इंतहा थी बेटा। जब किसी चीज की धुन इंसान के दिमाग में समा जाती है तो उसका यही हाल होता है। तुम जरूर एक दिन आसमान को हाथ लगाकर छोड़ोगे और वो दिन मैं बहुत जल्द अपनी आंखों से देखने वाला हूं। खुशनसीब हो तुम जो कदरदानों के जमाने में पैदा हुए हो। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, कुछ भी तो नहीं। ओ ये अब जुड़ नहीं सकती बेटा, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बज नहीं सकती ना सही, मगर वायलिन तो हर हालत में वायलिन है पिताजी। और फिर ये तो एक खास वायलिन है। मानता हूं बेटा। सुनो तो, हमने कोई गलत बात कह दी? जी नहीं। तो फिर मुंह बसोर कर क्यों चल दी? नहीं तो। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई है बेटा कि तुम्हें गरीबों से इस कदर हमदर्दी है। क्या हाल है मोहन बाबू का? वो जा रहे हैं। जा रहा है, मगर क्यों? कह रहे थे अब मैं अच्छा हो गया हूं, ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ कैसी? मैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी का बंदोबस्त करके आया हूं। नहीं नहीं, अभी उसका जाना ठीक नहीं। क्यों बरखुदार, क्या इरादा है? जी जाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो। मगर कहाँ और क्यों, जान पहचान है किसी से? जी नहीं, मैं यहाँ अजनबी हूँ। बम्बई में अजनबी को कोई नहीं पूछता बेटा, इधर उधर की ठोकरें खाने से क्या फायदा। तुम इसी घर को अपना घर समझकर कुछ दिन और ठहर सकते हो। मैं ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, जो कुछ आपने मुझ गरीब के खातिर किया है वो एहसान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। इसे एहसान मत समझो बेटा,
तुम लाखों में एक हो, और ये बात मैं दावे के साथ लोगों से कहता फिरता हूं। मैंने तुम्हारे कामकाज का इंतजाम भी कर लिया है। कामकाज? यस, मैं दुनिया को दिखाकर छोड़ूंगा कि तुम क्या हो। बात जुबान पर आ जाए तो उसे रोका नहीं करते। आपने मेरी जिंदगी में एक नई रूह फूंक दी है। जी, क्या फरमाया? वही जो मुझे ना कहना चाहिए था। आपकी मेहरबानियां मेरे हौसले बढ़ाकर छोड़ेंगी। मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। गुस्ताखी? आपने कोई गुस्ताखी नहीं की।
गुस्ताखी तो मुझसे हुई है। आपको चोट लग गई, मैं बहुत शर्मिंदा। चोट लग भी जाती है और खाई भी जाती है, मगर मैं इस चोट को एक निशानी समझूंगा। आंसू पोंछ डालिए। ऐसी चोट किस्मत वाले को नसीब होती है। जी। मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, कह नहीं सकता मैं आपके लिए मुफीद साबित हो सकूंगा या नहीं। तो बस कीजिए जनाब, सेठ हीराचंद की जबानी हम आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब आप अच्छी अच्छी तर्जें बनाइए, हमारी फिल्में चले और आपका नाम चले। ये रहे 500 रुपए एडवांस। शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया सेठ हीराचंद जी। आइए जनाब। Congratulations. शुक्रिया। एक एहसान मुझ गरीब पर और कर डाला है आपने, अगर गुस्ताखी न समझे तो कुछ अर्ज करूं? जरूर कहो बेटा, क्या बात है? इजाजत हो तो मैं अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लूं, क्योंकि अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं हूं। अब यह बात वाजिब है तुम्हारी, मैं इसे इंतजाम भी कर लूंगा। डर गई थी। हाय राम, कहीं मेरे बाद कोई भूत वगैरह तो नहीं देख लिया दीदी? भूत? नहीं नहीं। तू कब आई? मालूम होता है ध्यान कहीं और था देवी जी का। अरे अभी अभी तो आई हूँ। मगर इतनी जल्दी क्यों लौट आई हो पुणे से? अरे पुणे भी कोई रहने की जगह है? गज भर लंबे मच्छर, ये बड़े बड़े खटमल, भिन भिनाती हुई मक्खियां, टूटी हुई कुर्सियां, मामू का घर था या छजूराम का तबेला? ओह, मैं तो 4 ही दिन में घबरा गई दीदी। देयर इज नो लाइफ इन पुणे। तू बड़ी चंचल है, मैं जानती थी तेरा वहां दिल ना लगेगा। दिल कैसे लगता डार्लिंग, तू दिल्ली मैं आगरे, मेरे दिल से निकले हाय फासला 100 कोस का। डैडी कहाँ है? तू आ गई? बड़ा शौक सवार था पुणे जाने का। डैडी मुझे काले पानी भेज दो, मगर पुणे का नाम ना लो। आपकी तारीफ? इनका नाम है मिस्टर मोहन, बेहतरीन कलाकार, और ये है मेरी लाडली बेटी आशा, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, रंभा संभा, अंबा डंबा, गोया की दुनिया भर के नाच नाचती है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी, कलाकार साहब, क्या आप मेरी एक तस्वीर बना सकते हैं? जी मैं तस्वीरें नहीं बनाया करता। तो फिर वो कौन सी कला है जिसके आप कार हैं? संगीत, मुझे संगीत का शौक है। अच्छा जी, तो फिर हमें भी सुनाइए अपना संगीत। मगर एक शर्त है। माँ बदौलत उस शर्त को सुनना चाहते हैं।
अर्ज ये है आलम पनाह कि आज मिस्टर मोहन को हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में म्यूजिक डायरेक्टर का चांस मिला है, इसकी खुशी मनाई जाए और हर एक अपना अपना कमाल दिखाए। माँ बदौलत को ये शर्त मंजूर है। बरसे चांदनी मत दिया लहराए मोरा मत दिया लहराए चंदा गाए रागनी हम कम बरसे चांदनी मत दिया लहराए मोरा मत दिया लहराए हो गया था। आपको सुनकर खुशी होगी कि मुझे हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में 500 रुपए माहवार पर म्यूजिक डायरेक्टर की नौकरी मिल गई है। अपनी कामयाबी के लिए अब मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। 200 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। 200 रुपए बड़ा पीए मारा है, नहीं चाहिए हमें से भाग की कमाई। शांति से काम लो भैया, तुम्हें उसकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तरक्की? एक मुंशी तरक्की करते करते हाकम जी कुर्सी पर बैठ सकता है, मगर सारंगी बजाकर किसी ने कुर्सी हासिल की हो यह आज तक नहीं सुना। अगर इस भान विरासी के धंधे में बरकत कहां, अभी करता हूं ठीक। क्या हो रहा है बेटा जी?
खत पढ़ रहा था जरा। घर से आया है? जी हाँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी नौकरी के बारे में सुनकर खुश तो जरूर हुए होंगे। भगवान तुम्हें तरक्की दे। घर छोटा तो जरूर है मगर तुम्हारे लिए काफी है। लो ये बर्फी खाओ। शुक्रिया। कैसी है? सच पूछिए तो ऐसी बर्फी हलवाई भी नहीं बना सकते। एक बात मैं जब कामनी से कहता हूँ तो चिढ़ जाती है। ये है वो बाप जिसके घर में ऐसी देवी जन्म ले। तुम उसे देवी समझते हो? देवी से भी ज्यादा। तशरीफ रखिए। अब ये बताओ कि कंपनी के लिए कोई गाना वगैरह बनाया है या नहीं? बनाया तो है मगर कह नहीं सकता कि वो लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। जरूर करेंगे पसंद। तुमसे बेहतर आदमी उन्हें मिल कहां सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि वो गाना सबसे पहले मैं आपको सुनाऊं। अगर आपको पसंद आ गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो आज रात खाना हमारे साथ खाओ, वहां बैठकर तुम्हें अपनी अपनी राय देंगे। कामनी क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। मैंने आज रात मोहन को खाने पर बुलाया है। दो चार चटपटी चीजें तैयार कर लेना और गाजर का हलवा भी। तुम्हारे हाथ की बनी हुई बर्फी उसे बहुत पसंद आई है। दीदी दीदी दी, देख लो दीदी, तुम्हारी लाडली बिल्ली ने मेरा नया जंपर फाड़ डाला है। उसे घर से निकाल दो वरना मैं उसे जान से मार डालूंगी। लो फिर आ गई। ठहर तो जा कम्बा, आज मैं तेरी टांग तोड़ कर ही छोड़ूंगा। आशा तुम दोनों बहनों का झगड़ा कभी खत्म भी होगा। बिल्ली तुम्हारी जंपर तुम्हारा हा? और वायलिन कामनी बेचारी की टूट गई। माफी मांग दीदी से। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं गुस्से में यह भी भूल गई थी कि जंपर तुम्हारा है और बिल्ली मेरी। चंचल नैनों में आंसू छलकने लगे। पगली कहीं की। अब नखरे छोड़ो और बहन का हाथ बटाओ जाकर। एक शरीफ आदमी को खाने पर बुलाया है। 100 बार कहा है राशन के जमाने में मेहमान नहीं चाहिए, फिर भी नहीं सुनते। चलो दीदी। किस किस चीज की तारीफ की जाए? आज का खाना तो बहुत ही मजेदार है। बस बस ज्यादा तारीफ ना कीजिए वरना मेरी दीदी का मिजाज बिगड़ जाएगा। तो ये सब तकलीफ आपने उठाई? तकलीफ कैसी? 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब बंदी भी अपना कमाल दिखाती है। बादब बा मुलायजा होशियार सुल्तान दस्तरखान आला मुकाम आली शान गिजाए मुअल्ला यानी गाजर का हलवा अपने पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ ला रहा है। गाजर के किए पुरते पिस्ते का जिगर सीरा बादाम का सर तोड़ा चीनी का बना शीरा केसर से मिली सुर्खी और दूध से बालाई जोड़े को निचोड़ा है सोने से वरक लाई फिर आग जला ठंडी मैं पास में जा बैठी कफकीर हिलाती थी और झूमती जाती थी अब दस्त मुबारक को तकलीफ जरा दीजिए और नाची की मेहनत का जी भर के मजा लीजिए। तुझे तो किसी राज दरबार में कवि होना चाहिए था, अब मजा भी लेने देगी। शौक फरमाइए। शौक फरमाइए। शौक फरमाइए, शौक फरमाइए। पसंद आया?
बेहद मजेदार है। जी हाँ, फलक से नीचे उतारने को जी नहीं चाहता। पेट भर कर खाइए, पतीला भर कर बनाया है। खाए तेरा सर, चीनी की जगह नमक डाल दिया है, जहर की तरह कड़वा है। कड़वा है क्यों जी, ये कड़वा है? जी नहीं, शहद की तरह मीठा है। घर की मुर्गी दाल बराबर, डैडी को तो हमारी कोई चीज पसंद नहीं आती। थू थू थू। अजी, आपने तो कहा था मीठा है। आपका दिल रखने के लिए कहा था। दिल? ओह, शुक्रिया। मालिक कंपनी की पहली फरमाइशी बड़ी टेढ़ी है। वो क्या? सीन यूं है कि दो लड़कियां एक लड़के से मोहब्बत करती हैं, तीनों अपनी अपनी जगह तड़प रहे हैं। गाने के बोल तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन धुन मतलब की नहीं सुधी। अजीब, बगैर सुने क्या राय दे सकते हैं? अगर आप दोनों मेरी मदद करें तो सही नक्शा पेश कर सकता हूँ। फरमाइए। ये टुकड़ा आप गा दीजिए और ये आप, लड़के की जगह मैं खुद ही गा लूंगा। क्या मुजायका है, और मैं पब्लिक बन जाता हूँ। अगर बेअख्तियार ताली बज गई तो समझ लेना गाना पास। चलो शुरू करो। शुक्रिया। मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो, ये नगमा है क्या चांद तारों से पूछो, चांद तारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो, मोहब्बत की धुन। खबर क्या मोहब्बत कहाँ है, भला क्या दुनिया हसी है जवाब, तुम अपनी नजर के इशारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो, ये नगमा है क्या चांद तारों से पूछो, चांद तारों से पूछो, मोहब्बत की धुन। अपने दिल की बहारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो, ये नगमा है क्या चांद तारों से पूछो, चांद तारों से पूछो, मोहब्बत की धुन। I love you, Asha.
कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मोहन ऑन योर ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस। फोटोग्राफर, न्यू टैलेंट इज बॉर्न। देयर यू आर। मैं तो पहले ही दिन तार गया था कि ये नौजवान संगीत की दुनिया में हलचल मचाकर छोड़ेगा। आज उसी नौजवान के गीत बच्चे बच्चे की जबान पर गूंज रहे हैं। देखो उसकी तस्वीर को, देखो मोहन द विजर्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। खुश नसीब है वो बाप जिस बाप के घर में हो, और खुश नसीब है वो। मैं जरा मुबारकबाद दे आऊं जाकर। संगीत के देवता, तुम्हें दासी का प्रणाम। कौन? कांग्रेचुलेशन मिस्टर मोहन, मैं आपकी शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। फूलों की माला कबूल फरमाइए। शुक्रिया। ये कामयाबी आपके खानदान का एक और एहसान है मुझ गरीब पर। आपने फिल्म देखा? तारीफ नहीं कर सकती, आप सचमुच जादूगर हैं। जी चाहता है इतने बड़े कलाकार की मूर्ति बनाकर दिन रात पूजा करती रहूं। पूजा? आपको एतराज है? मैं भला किस काबिल हूँ? ये किसी के दिल से पूछिए। दिल? ओह, आप यहाँ अकेली आई हैं? चली जा। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तो फिर पसीना क्यों आ गया? पसीना नहीं तो। दिल की धड़कन की आवाज तो मैं इतनी दूर से सुन रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं। ये बात है, देखो। ओ, कोई देख लेता तो क्या होता? क्या होता? क्या अर्ज करूं, आप नादान हैं। दीदी भी यही कहती हैं, मगर मैं उम्र में सिर्फ एक साल छोटी हूं उससे। पसीना। पंखा चला दूं जरा। सर पर बर्फ की थैली रखिए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ओ, चिट्ठी? किसे लिखी जा रही थी चिट्ठी? पूज्य पिताजी नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं समझी। मैं कुछ और ही समझी थी। अब आपको चले जाना चाहिए, घर में इंतजार करते होंगे। ओह, तो आप इंतजार का मतलब समझते हैं? जी। कुछ नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। आप मेरे सपनों में क्यों आते हैं जनाब? मैं? जी, मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो मोहन बाबू, मेरे ख्वाब की ताबीर। कौन? मोहन बाबू घर में हैं? दादी की आवाज, अब क्या होगा? नमस्ते जी। क्यों भाई, हमसे क्या कसूर हुआ है जो मिलना जुलना भी छोड़ दिया? ये मेरी भूल थी, दरअसल मैं कंपनी के कामकाज में बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं जानता हूँ तुम बेहद मसरूफ थे, अखबारों में तुम्हारी कामयाबी के चर्चे पढ़कर तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। ये सब आपकी दुआओं का असर है। भगवान तुम्हारी शोहरत को चार चांद लगाए। अब तुम्हें नए घर की जरूरत है बेटा। आपके आशीर्वाद से उसका इंतजाम भी हो गया है। खूब, बड़ी खुशी की बात है। तशरीफ रखिए, कुछ चाय वगैरह मंगवाओ। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। फरमाइए। तुम जानते हो बेटा, मेरी दो बच्चियां हैं, कामनी और आशा। जी। कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त आशा को अपने लड़के के लिए मांग रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी लड़की से पहले छोटी का ब्याह कैसे रचाऊं?
सवाल वाकई टेढ़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं कामनी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ। आपके एहसान तुम इस गरीब पर पहले ही इतने ज्यादा हैं कि मैं सर नहीं उठा सकता। ये एहसान मुझ पर होगा बेटा, कामनी मुझे बेहद प्यारी है। एक अजनबी कि जिसका ना कोई घर है ना घाट, इतने बड़े इनाम का हकदार कैसे हो सकता है। हीरे की पहचान जौहरी कर लेता है बेटा, हमने तुम्हें परख लिया है। आप एक मामूली पत्थर को हीरा समझे बैठे। इन बूढ़ी आंखों ने आज तक धोखा नहीं खाया बेटा, मगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। ये तो मन का सौदा है, अच्छी तरह सोच विचार कर लो, मैं किसी बात का बुरा ना मानूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। मोहन बाबू, किसी के सपने अधूरे न रह जाएं, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके सपनों को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है देवी, मैं किसी काम ना आ सकूंगा। गोया कि आप मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। जो खुद मोहताज हो वो आपकी क्या मदद कर सकता है। मैं किसी के एहसान के बोझ से दबा बैठा हूँ। तो मुझे अपनी मदद आप करना होगी। शुक्रिया, आपने कोई रास्ता तो बताया। नमस्ते। मोहब्बत के नाम को जिंदा रखने वाले पंछी, मैं तेरी बेचैनी का राज अच्छी तरह समझती हूँ। तू अपने प्रीतम के पास जाने के लिए बेताब है ना? आ मैं तुझे आजाद कर दूँ। हाँ? ये तूने क्या किया? दो मोहब्बत करने वाले दिलों पर एहसान कर दिया। बुलबुल के तराने है कितने सुहाने, जब डार पे बैठा हो साथी भी चहकता हो, मस्ती में उमंगों में जीवन की तरंगों में दोनों को जुदा करना बर्बाद चमन करना। भगवान से डर बंदे एहसान ही कर बंदे, उल्फत न सुना करना दो दिन ना जुदा करना। तुमने सच कहा है आशा, अगर इस बुलबुल को आजाद ना किया जाता तो ये पिंजरे की तीलियों से सर पटक पटक कर मर जाता। तेरी आंखों में आंसू क्यों छलकने लगे? क्या बात है आशा? क्या बताऊं? जब मेरे सांस का पंछी मेरी काया के पिंजरे में फड़फड़ाता है तो जी निठाल हो जाता है मेरा। दीदी, तुम मेरी सहायता ना करोगी? जरूर करूंगी। मुझे ठेस तो ना लगाओगी? मैं तेरा दिल जोड़ा करती हूँ, तोड़ा नहीं करती। अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो मुझे मिल सकती है? जरूर मिल सकती है, मेरी हर चीज तेरी है। मांग क्या मांगती है? आसमान का तारा ला सकोगी? जरूर ला सकूंगी, एक नहीं हजार तारे, और उनके साथ साथ जान भी लाकर तेरी झोली में डाल सकती। सच? तेरी कसम। मगर ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझे बैठी हो। आसान काम तो बच्चे भी कर गुजरते हैं, तेरी खातिर मैं तूफानों से टक्कर ले सकती हूँ। जब तो तुम डैडी का दिल भी अपनी मुट्ठी में समेट सकती हो। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं मोहन बाबू से शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
मोहब्बत? कहीं तू धोखा तो नहीं खा रही आशा? हम दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं दीदी। मेरी हालत उस बेजुबान पंछी की तरह है जो अभी अभी कफस में टकरे मार रहा था। ओह, तो हालत यहां तक पहुंच गई है। मुझे मालूम ना था। अब हमारा पीछे हटना मुहाल है दीदी। उल्फत न फना करना, दो दिल न जुदा करना, भगवान से डर बंदे, एहसान ही कर बंदे। अगर डैडी ने इजाजत ना दी तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं नहीं, जहर खाने की जरूरत नहीं। अगर वो तुझे इस कदर मोहब्बत करते हैं तो ये शादी होनी ही चाहिए। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं दीदी, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मैं समझ गई। चिंता ना कर, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरूंगी। आशा की आशा पूरी करने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। मेरी अच्छी दीदी, तू कितनी अच्छी है। एक बात कह सकती हूँ पिताजी? कहो। नाराज तो ना होंगे आप? नहीं। आशा के हाथ पीले कर दीजिए। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। आशा मोहन बाबू को पसंद करती है। और मोहन बाबू आपको भी पसंद है? आशा के बारे में मैं कहीं और बातचीत कर रहा हूं, और ये बात आशा के कान में भी डाल देना। दूसरी जगह शादी करने से बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है मैं आशा को किसी भिखारी के पल्ले बांधने वाला हूं? तो मोहन बाबू में क्या बुराई है? मोहन बाबू के साथ मैं तुम्हारे बारे में बातचीत करके आया हूँ। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ पिताजी। तू माँ बाप के फर्ज को नहीं जानती बेटा, और फिर इंसाफ भी तो कोई चीज है। आप मोहन बाबू पर जुल्म कर रहे हैं। मगर तुम अपने आप पर सितम कर रही हो। पढ़ो इस खत को, पढ़ो। अभी अभी आया है, मोहन तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, और यही मेरी ख्वाहिश थी। मैं जबान देकर बदला नहीं करता। मोहन बाबू आपकी इज्जत करते हैं, हो सकता है उन्होंने आपकी मर्जी के सामने सर झुका दिया हो। मैं अंधा नहीं हूं बेटा, और न ही धूप में बाल सफेद किए हैं मैंने। आशा को मोहन नहीं मिल सकता। ये सब क्या है? कट गई। आज मीर मुंशी के खानदान की रही सही नाक भी कट गई। अरे एक गिलास पानी तो पिला जल्दी से, मेरा दिल घटा जाता हैगा। हे भगवान, किस पाप की सजा देने के लिए मुझे जिंदा रख छोड़ा है तैने? आखिर कुछ मुझे भी तो बताओ, माजरा क्या है? छह महीने के बाद तो चिट्ठी आई है। अरे यही चिट्ठी तो मेरी मौत का संदेशा लाई है। अपनी तो लुटिया ही डूब गई हैगी। मगर कुछ बताओ तो सही भैया। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर को भागता हैगा। पहले घर छोड़ा, फिर फिल्म कंपनी में भर्ती हुआ, अब छाजे वाले की बोकरी तेरे जबान की बाजे वाले की छोकरी से नाता करने चला है। अरे ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद ही भला था। तेरा सत्यानाश, तुमने मुंशी पोपटलाल अर्जी अमीर के घर में ही जन्म लेना था। बिरादरी ने हुक्का पानी बंद कर दिया तो क्या होगा? तुम्हें तो यही चिंता ले डूबेगी। भगवान का उपकार मानो जो वो धंधे रोजगार पर लगा है।
तेरे भेजे में तो भूसा भर गया हैगा। 100 बार समझाया है ये धंधा इज्जतदारों का धंधा नहीं हैगा। इतनी नफरत है तो हर महीने मनी ऑर्डर के इंतजार में ड्योरी पे आसन चुका कर क्यों बैठ जाते हो? मैं पाई पाई चुका दूंगा, थूकता हूँ ऐसी कमाई पर। ये बात है, अब डंडे से काम लेना पड़ेगा, देखता हूँ कैसे करता है शादी। तू झटपट बिस्तर बांध मेरा, डोरी लुटिया मत भूल जाना मेरी, और दो जोड़े थैले भी धोती में डाल दे। चल ले ये कुर्ता भी फटक दे जल्दी से, गाड़ी छूटने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। 2 4 रोटी और आलू की भजिया भी बना डाल, मगर मिर्चे कम डालना, तुझे तीखा बनाने की आदत है जी। मीठे के बदले थोड़ा छगड़े मांग ले पड़ोसी से, और जब तक मैं वापस ना आऊं बैठकर माला जपती रहना मेरी सलामती की। युद्ध बजा रहा हूं, जान दे सकता हूं, आन नहीं दे सकता। अरे अब खड़ी मुंह क्या तक रही है मेरा, छाड़ी फूटने वाली है जी धक तेरे जबान की, गाड़ी छूटने वाली है जी। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, ये कैसी भूख हड़ताल कर रखी है तूने? खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। पिताजी। क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, कोई खास बात नहीं। कामनी, तू हमेशा अपनी बहन की हरकतों पर पर्दा डाल देती है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बेटा। आज किस बात पर झगड़ा है? आपस की छेड़छाड़ को झगड़ा नहीं कहते पिताजी, आप नाहक परेशान हो जाते हैं। तो फिर ये भूख हड़ताल कैसी?
आशा दिन ब दिन जिद्दी होती जाती है और ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। आशा, आशा, दरवाजा खोल जल्दी वरना मैं इसे तोड़ डालूंगा। आशा, 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 ये क्या बदतमीजी है? बहन दरवाजे पर खड़ी मिन्नतें कर रही है और तुझे परवाह तक नहीं? आखिर तू करना क्या चाहती है? आजादी का ये मतलब नहीं कि तू मनमानी पर उतर आए। मेरे लाड प्यार का बहुत गलत मतलब समझा है तूने। खबरदार जो फिर कभी तसे बहाए। चल बैठकर खाना खाती तरह। मैं तेरी तकदीर को संवारना चाहती हूँ मगर तेरे आंसू से बिगाड़ कर रख देते। मोहब्बत की बाजी सब्र और इस्तिक्लाल से जीती जाती है आशा। मैंने तुझे कामयाब बनाने की कसम खाई। दीदी तुझे मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। चला बैठ कर दो लुक में खा ले मेरे साथ। मालूम होता है आप आज तक नाराज हैं मुझसे। मैं मोहन हूं पिताजी, आपका बेटा। मेरा बेटा कृष्णान नहीं था। बहरूपिये ये क्या हुलिया बना रखा है तैने? घर में नौकर जाकर वो भी हरामखोर। अबे इन बदतमीजों को इतना तो बता दिया होता कि मैं तेरा बाप हूं। जाने क्यों हाथ रुक गया मेरा, वरना एक एक कप भेजा बिलबिला कर डालता। याद रख बच्चू, मैं आज भी मैदान में उतरूं तो 150 को ढेर कर सकता हूं। अब ये बता वो छोरी कौन है जिससे आंख में टक्का लगा रखा है तैने? वो एक शरीफ लड़की है पिताजी, बेहद शरीफ। छाजे वाले की बोकरी, तेरे जबान की, बाजे वाले की छोकरी और शरीफ। अकल के अंधे, शरीफ और खानदानी तो हम हैं। जानता है मीर मुंशी का खानदान मुगल दरबार में कुर्सी पर बैठा था। शादी से इनकार कर दे फौरन। इनकार तो नहीं कर सकता, उन लोगों के मुझ पर बड़े एहसान है। और मेरा तुझ पर कोई एहसान नहीं। अगर मैंने तुझे जन्म न दिया होता तो क्या कर लेते बच्चों? जन्म तो माता जी ने दिया था मगर आप तो जिंदगी भर नाराज ही रहे मुझसे। तेरे जैसी नालायक औलाद का तो मुंह देखना भी पाप है। कान खोल कर सुन ले, मैं एक बाजे वाले की छोकरी को अपनी बहू बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं। जाने क्या बात है, आपने हमेशा मेरा दिल तोड़ने की कोशिश की। वारे दिल वाले, यहां आकर पर निकल आए हैं तेरे। याद रख बच्चू, पंख मड़ोड़ कर दर्दे में डाल दूंगा। वो जा बिस्तर समेट, तुझे बंबई की हवा रात नहीं आई। अब मैं वापस जाकर क्या करूंगा पिताजी? मैं तुझसे हल नहीं जितवाऊंगा। कलम दवात उठाने से कमर नहीं टूट जाएगी तेरी। सीधी तरह चलता है या जमाओ दो हाथ। पिताजी मैं अब उस दुनिया में वापस न जाऊंगा। आए, हर इंसान को तरक्की करने का हक हासिल है और मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही दम लूंगा। मेरे हाथ में डंडा है, मेरा सर हाजिर। मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझे बर्दाश्त की ताकत है। क्यों जी, यहाँ कोई भांडों का तमाशा हो रहा है जो तुम लोग दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? भाग जा वरना को।
कहीं के जैसा मालक वैसे नौकर। पिताजी जरा होश से काम लीजिए, नौकरों पे हाथ उठाना आपकी शान के खिलाफ है। मेरी शान का तो दीवाना निकाल दिया है तैने, दो टके की छोरी से लगन करने चला जाएगा, मैं आज ही पत्ता काट कर छोड़ूंगा। ठहरिए पिताजी, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे तू वो बस में नहीं, मगर उस बैंड बाजे वाले से तो आज भी निपट सकता हूँ। अगर मैंने उसके ढोल ताशे को फाड़ कर गले में न डाल दिया तो मुंशी पोपटलाल अर्जीनवीस नाम नहीं हैगा मेरा। हाँ रुक जाइए पिताजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं रुक सकता, आज मैं उस बाजे वाले का सर तोड़ कर ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं, आप शराब का खून नहीं कर सकते। छोड़ वो लकड़ी। अरे छोड़, तशरीफ ले जाइए और समझ लीजिए कि मोहन हमेशा हमेशा के लिए मर गया। मर गया? मगर तू तो जिंदा है मेरे लाल। बुढ़े बाप से मजाक नहीं क्या करते, अपना दिमाग तो काम नहीं करता भैया। अमीर मुंशी का कॉल था, जब लड़का जवान हो जाए तो उसे टोका नहीं करते। तेरा मन आए से कर बेटे, अपन तो आशीर्वाद देने आए हैं। ला मैं तेरा दिल जोड़ दूं, आ जा मेरे पास, आ भी जा। पगला कहीं का, बुजुर्गों की बात का बुरा मान गया हैगा। टिगर के जुकड़े धर तेरे जबान की, जिगर के टुकड़े तू तो मेरा कमाओ बेटा हैगा। लग जा कलेजे के साथ। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। मुन्ने जरा इधर तो आइयो बेटा। भजमन राम चरण सुखदाई। ये मोटर कितने में खरीदी हैगी? 10,000 में। और फर्नीचर का क्या दिया हैगा जी? ओ फर्नीचर 10,000। तेरा ससुर भी कोई मालदार आसामी हैगा या? उनकी सबसे बड़ी दौलत तो उनकी शराफत है पिताजी। खड़ी खुशी की बात है, खड़ी खुशी तेरे दबा, मेरा मतलब है बड़ी खुशी की बात है। शादी कब तक मुमकिन है? बस आपके हुक्म का इंतजार है। कल नारियल भेज दूंगा भगवान का नाम लेकर। मुझे नींद आ रही है, जा सो जा, मुझे तो अभी पूजा पाठ करना है। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जनाब? यहाँ अंग्रेजी बाजे तो हर किस्म के हैं, मगर फरंगी रंगी फिरंगी खरीदने नहीं आया जनाब, मुझे इस दुकान के मालक से मिलना है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बंदा इस दुकान का मालिक है, फरमाइए क्या हुक्म है। आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, शायद पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। मगर मेरे लड़के को तो आप अच्छी तरह जानते हैंगे। यहाँ और कहीं के लोग आते हैं, हो सकता है उनसे मुलाकात हो। मुलाकात? अजी हुजूर, वो तो आप ही का दामाद हैगा। दामाद? आप शायद धोखा खा रहे हैं। 20 कदम पर एक और दुकान है, वहां तशरीफ ले जाइए। अजीब बात है, हीराचंद की दुकान ये हैगी या वो? जी हीराचंद तो मेरा ही नाम। तो फिर मेरा लड़का भी आप ही का दामाद हैगा। माफ कीजिएगा, मेरी सिर्फ 2 बच्चियां हैं, दोनों कुंवारी हैं। ओह, आप मिस्टर मोहन म्यूजिक डायरेक्टर को जानते हैंगे? उन्हें कौन नहीं जानता, आज हिंदुस्तान भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। वो तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं जनाब। मैं उसी बहुत बड़े कलाकार का बाप हूँ जनाब, आया ख्याल शरीफ के बीच में। आप मिस्टर मोहन के बाप हैं? आप क्या समझ रहे हैंगे? माफ कीजिएगा, बड़ी भूल, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आपने मेरे लड़के को अपनी लड़की के लिए पसंद फरमाया हैगा? ये मेरी खुशकिस्मती होगी, क्या ऐसा मुमकिन है? मैं लड़की देखने, तेरे जबान की लड़की देखने आया हूँ। इनकार किसे है? मकान पर तशरीफ ले चलिए।
ये मेरी छोटी लड़की है आशा। आशा और इसका नाम है कामनी। ये आशा से बड़ी है। समझा। जाओ बेटा काम करो जाकर। हाँ साहब, तो आप कौन सी लड़की को मेरे लड़के के काबिल समझते हैंगे? कामनी के बारे में बातचीत की थी मोहन बाबू से। और अगर मैं आशा के बारे में कहूं तो? आशा? आशा का रिश्ता तो मैं कहीं और तय कर रहा हूं जनाब। आपका मतलब है मोहन को आशा नहीं मिल सकती? क्या अर्ज करूं, मजबूरी है। कुछ ऐसी ही मजबूरी इधर भी हैगी भाई साहब। मोहन और आशा की जोड़ी तो खूब बन सकती थी, पन कामनी और मोहन। खैर, जरा दहेज का मामला भी साफ कर दीजिए फौरन। आप जो कुछ फरमाएंगे मुझे मंजूर। 50,000? मैं 1,00,000 देने को तैयार हूं। 1,00,000? ये रहा नारियल, बारात का इंतजार कीजिए और दहेज की रकम मेरे हवाले कीजिए। भरोसा रखिए, रकम मैं शादी के मौके पर अदा कर दूंगा। गोया कि इंतजार करना पड़ेगा, महीना दो महीने, 3 महीने, 4 महीने? सिर्फ 8 दिन। 8 दिन? खड़ी खुशी की बात है, खड़ी बात तेरे जबान की। मेरा मतलब है बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, राम राम। आप इंतजाम कीजिए, मैं चलता हूँ। पिताजी, ये क्या जुल्म का डाला आपने? क्या मतलब? आपने ये सुनहरा मौका जानबूझकर हाथ से गंवाया है। जब मोहन बाबू के पिता आशा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे, तो फिर उन्हें मेरे बारे में मजबूर करने की क्या जरूरत थी? ये तुम कह रही हो? ताज्जुब है। मैं आशा की बहन भी हूँ और माँ भी। माँ का दिल पत्थर का नहीं होता। और मैं तुम दोनों का बाप हूँ, बाप का दिल भी पत्थर का नहीं होता। मैं तुम्हारा हक छीनकर आशा को देने के लिए तैयार नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मोहन बाबू आशा को पसंद करते हैं। मोहन का खत अभी तक मेज पर धरा है, तुम उसे दोबारा पढ़कर तसल्ली कर सकती हो। आशा, क्या करना चाहती है? साफ साफ बता दे आशा, वो तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मेरे कमरे से फौरन बाहर चली जाओ। मैं तेरे इरादे को अच्छी तरह से भाग गई, मगर तू ऐसा नहीं कर सकती। शीशे मेरे हवाले कर दे फौरन। नहीं करूंगी, मेरा करीब आने की कोशिश मत करना। आज मैं बलखाई हुई नागन से ज्यादा खतरनाक चूल्हा तैयार किए बैठी हूँ, तो फिर तेरा पहला वार मुझे पर होना चाहिए। आज मैं तुझ पर अपनी जान कुर्बान करके छोड़ूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। तूफानों का मुकाबला करने वाली कामनी तमाचों से नहीं डरती, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ये शीशी तुझे छोड़ना ही पड़ेगी। ओह, तो हालत जहर खाने तक आन पहुंची। क्या यही तेरी मोहब्बत है? क्या ऐसी चीज का नाम है प्यार? नादान लड़की, तू अपनी जीत को हार समझकर हिम्मत हार बैठी है। आज ये कहना ही पड़ेगा कि तेरी मोहब्बत मोहब्बत नहीं, बल्कि सिर्फ प्यास है, दिल की प्यास। याद रख, अगर ये प्यास बुझ गई तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा तेरा। सच्ची मोहब्बत का दूसरा नाम है इंतजार। 8 दिन में नई दुनिया बन सकती है और तू 8 घंटे भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं।
ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसे इत्तेफाक समझू, किस्मत की खूबी समझू या आपकी मेहरबानी। ये घर इस काबिल तो न था, मगर आपका यहाँ आना मेरे लिए बाइस इज्जत है। शुक्रिया। ऐसा मालूम होता है जैसे परियों की शहजादी ने अपना घूंघट उठा दिया, जैसे किसी गरीब की कुटिया में चांद उतर आया। चांद? बहुत कुछ कह डाला आपने एक दासी की शान में। क्या अर्ज करूं, चांद को देखकर चकोर का दिल बस में नहीं रहता, वो एक ही उड़ान में चांद का मुंह चूम लेना चाहता है, मगर मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। ओह, मैं एक तकलीफ देने आई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपकी खातिर तो मेरी जान भी हाजिर। फरमाइए। ये खत आपने मेरे पिताजी को लिखा था? जी जी हाँ। अगर ये मेरी गुस्ताखी है तो मैं माफी का तलबगार हूँ। माफी की जरूरत नहीं, मेहरबानी फरमाकर यहाँ आशा का नाम लिख दीजिए, बाकी सब ठीक है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इस खत में आशा के बदले भूल से आपने मेरा नाम लिख डाला है, जरा इस भूल को संवार दीजिए। अगर ये मेरी भूल है तो बड़ी खूबसूरत भूल है ये, मैं इस भूल को अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मेहरबानी फरमाकर ये खत अपने पिताजी को दे दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं, आप अपने अरमानों का गला घोंट कर पिताजी को खुश करना चाहते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये दुरुस्त है कि मैं आपके काबिल नहीं, मगर आपको मुझसे इस कदर नफरत है ये मुझे मालूम न था। नफरत? भगवान ना करे। इसे ठीक कर दीजिए, मुझे जल्दी है। मैं पूछ सकता हूँ आप क्या चाहती हैं? पिताजी के नाम सिर्फ इतना लिख दीजिए कि आप मेरे बदले आशा से शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप दोनों में किस कदर मोहब्बत है। बस करो देवी, बस करो, कहीं मेरे सपनों का बना बनाया महल गिरकर धुएं का गुबार न बन जाए। एक बेकस का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। मजाक? मैं तो आपकी हमदर्द बनकर आई हूँ। इस हमदर्दी का शुक्रिया, आप अपने आप को बिलावजह उलझन में डाल रही है। इसलिए कि मैं आप दोनों की मोहब्बत को कामयाब बनाना चाहती हूँ। तीर पर तीर न चलाओ देवी, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर देख लो, कौन किससे मोहब्बत करता है फौरन मालूम हो जाएगा। जी। मोहब्बत को जितना दबाया जाए उतनी ही उभरती, आज नहीं कल महीना छह महीने बाद हकीकत जाहिर होकर ही रहेगी। मोहब्बत हम दोनों में है और ये बात आपके पिताजी पर जाहिर हो चुकी है। मैंने आपसे कभी इकरार नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। अगर आपको मुझसे कोई वास्ता ना होता तो घबराहट से मुंह ना घूम जाता आपका। जरा मुझसे आंखें मिलाकर बात कीजिए। इन आंखों में छलकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मैं इनकार नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी खुशियों पर अपनी बहन की जिंदगी कुर्बान होते भी नहीं देख सकती। अजीब उलझन है, ना आप इकरार करती हैं ना इनकार। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तरह छाती पर पत्थर रख लेना चाहिए, आशा का प्यार भरा दिल ठेस लगते ही चकनाचूर हो जाएगा। वो आपको दिल और जान से मोहब्बत करती है और मैंने उसे कामयाब बनाने की कसम खाई है। एक को कामयाब बनाने के लिए दूसरे को बर्बाद करना आपकी शान के खिलाफ है देवी। मेहरबानी फरमाकर जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ। इंसाफ के तराजू में तोलकर देखना है तो एक बहन के दिल में चाहत है, दूसरी के दिल में प्यार। चाहत तो प्यार का दर्जा तो बराबर है, मगर एक में सबर की ताकत है और दूसरी बेताब। वो आपकी खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर बैठी है। मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ देवी, मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार नहीं। ये गुनाह नहीं एहसान होगा, मुझ पर, आशा पर और मेरे बूढ़े बाप पर। इनकार ना कीजिएगा, इनकार करने से तीन आत्माओं का खून हो जाएगा। मुझे किस जुर्म की सजा देना चाहती हो देवी? फैसला सुनाने से पहले मेरा कसूर भी तो बता दिया होता। सच्ची मोहब्बत का पहला तकाजा है कुर्बानी। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। देर ना कीजिए, सिर्फ दो हरफ लिख देने से आशा की तकदीर बदल सकती है। अजीब इंसाफ है, आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में आज मुझे अपने हाथों से अपनी तमन्नाओं का खून करना पड़ेगा। देवी, मैं आपसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ, एक बार फिर अपने फैसले पर गौर फरमाइए। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, ये मेरा फैसला है। ओ, जान पर खेलने की जरूरत नहीं, आज मैं आपके तमाम एहसानात का बोझ उतार कर छोड़ूंगा।
शुक्रिया, इत्मीनान रखिए, ये सौदा घाटे का नहीं रहेगा। आशा की मोहब्बत आपके जख्मी दिल पर मरहम का काम करेगी। नमस्ते। किसने मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने। जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं। किसी और को देखे वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं। जो खुशी से चोट खाए मुझे तेरी आरज़ू है, मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे दिल में तू ही तू है। बस रैर जिसमें आकर मैं वो घर कहाँ से लाऊं, मैं वो घर कहाँ से लाऊं। जो खुशी से तो दुखाए तेरी बेरुखी के सदके, तेरी हर अदा पे कुर्बान, तेरी हर अदा पे कुर्बान। तेरे और को जो सजदे मैं वो सर कहाँ से लाऊं, मैं वो सर से लाऊं। तो खुशी से तो दुखाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं। जो खुशी से चोट खाए। जो कुर्बानी तुमने अपनी बहन को सुहागन बनाने के लिए दी है बेटा, उसका अंजाम भी सोच लिया होता। ये खत मोहन ने तुम्हें लिख तो दिया है, मगर मजबूर होकर। पिताजी। ठीक है, अब जो तू चाहती है वही होगा, बिल्कुल वही। जाओ अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगाओ जाकर। मेहंदी? नहीं है जान
तारों के जावो है चांद सितारों के जावो से जावो तो जावो ये रात सुहानी रात नहीं है चांद सितारों के जावो है चांद सितारों के जावो सो जावो सो जावो अरमान लुटे दीवाने के पर टूट गए परवाने के अरमान लुटे दीवाने के पर टूट गए परवाने के ना मौत मिली ना आजादी किस्मत में लिखी थी बर्बादी अब कौन कहे दुनिया को हसी नाकाम बहारों से जावो है चांद सितारों सो जावो सो जावो सो जावो जो अलम से बेगानों तुम मेरा फसाना क्या जानो ऐरन जो अलम से बेगानो तुम मेरा फसाना क्या जानो वो चोट लगी है सीने पर मजबूर हुआ सुखीने पर दिल से न उठे तूफान कहीं बेताब नजारों सो जावो है चांद सितारों सो जावो सो जावो सो जावो ये रात ये रात ये रात सुहानी रात नहीं है चांद सितारों सो जावो है चांद सितारों सो जावो सो जावो बंद कर दीजिए भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये बेहा का राग ऐसे खूबसूरत रात में आप किसी के अरमान भरे दिल को ठेस लगाकर छोड़ेंगे संगीत मेरी पूंजी है देवी मैं सिर्फ अपने गीतों से ही तुम्हारा स्वागत कर सकता हूँ गाना ही है तो कोई मधुर मिलन का गीत गाइए कोई प्यार भरा नगमा सुनाइए आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे कीमती रात है ऐसे खूबसूरत रात को बर्बाद नहीं किया करते काश मैं तुम्हारे अरमान भरे दिल का राज समझने के काबिल होता मगर क्या करूं न मैं होश में हूं न दिल होश में है मेरी बच्ची मेरी आंखों के नूर भगवान तुझे सुखी रखे क्या हाल है मोहन बाबू का अच्छे दीदी कहाँ है वो रही तुम्हारी दीदी अब तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो मैं अभी आता हूँ
आशा मेरी लाडली, मेरी प्यारी बहन, भगवान तेरा सुहाग सलामत रखे। बता, दूल्हा राजा ने अपनी दुल्हन के स्वागत में हीरे मोती बिछाए या गुलाब के फूल? मैं जानती हूँ लड़कियां इस राज को छुपाती हैं। खैर, अब ये बता, उन्होंने तेरा चांदसा मुखड़ा करीब से देखा? नहीं, मगर जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? दीदी, वो मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? ये तू क्या कह रही है? वही जो हकीकत है। मैं अपनी सौत का जलापा बर्दाश्त न कर सकूंगी दीदी। मैं ये गम खाने के लिए तैयार नहीं। कौन है तेरी सौत? जैसे कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। ठीक ठीक बता, क्या नाम है तेरी सौत का? संगीत। संगीत? तो यूं कहा होता कि तेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं जितनी उनकी मधुर बीना। पगली, तू उनका दिल बहलाना भी नहीं जानती। उन्हें साज से लगन है, तू राग बन जा। उन्हें संगीत की धुन है, तू गीत बन जा। वायलिन के तार में, बीना की झंकार में, पियानो की सुरों में, गोया की उनकी नस नस में समा जा। आशा, मोहब्बत को अमर बनाने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। ये मुझसे ना हो सकेगा दीदी, मुझे संगीत से नफरत हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान दे। तो फिर उन्हें किसी ऐसी जगह ले जा जहां तुम दोनों के सिवा कोई ना हो, जहां के जलवे तुम्हारे कदम चूमे, बहारें दिल बहलाएं और ठंडी हवाएं तुम्हें लोरियां दे देकर सुनाएं। पहाड़ की उस वादी में आशा, जहां की शाम रंगीन और दिन भला मालूम होता है। Oh,
उन्हें गाने दिया होता तुमने मेरा संगीत क्यों छीन लिया है मुझसे? जिंदगी रोने के लिए नहीं हंसने के लिए है। मेरी अच्छी दीदी प्रणाम, मैं आज ये लिखने पर मजबूर हो गई हूँ कि उन्हें पहाड़ की हवा भी रास नहीं आई। उदास चेहरा, पथराई हुई आंखें, मुरझाई हुई जिंदगी। वो अपना फर्ज तो जरूर पूरा कर रही है मगर दिल से नहीं। किस्मत की बात है मैं सुहागन बनकर भी अभागन ही रही। प्रार्थना करो दीदी मैं उनके ख्यालों में समा जाऊं वरना मुझे मौत आ जाए। अभागन आशा। लापरवाही और ख्यालों में फर्क पैदा होता जा रहा है। क्या मैं सुलूक की वजह दरियाफ्त कर सकती हूँ? वजह
जने तुम क्या समझे बैठी हो? जो फितूर आपके दिमाग में पैदा हो गया है वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारा दिल दुखाने की कभी कोशिश नहीं की। और जहाँ तक मुझे याद है आपने मेरा दिल रखने की आज तक कोशिश नहीं की। उठते बैठते सोते जागते ना मेरी फिक्र ना मेरी परवाह। क्या मैं आपकी बीवी नहीं? क्या मेरा आप पर कोई? कौन इनकार करता है? तो फिर इस बेरुखी का सबब क्या है? अगर मुझसे इतनी ही नफरत थी तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मालूम होता है तुम किसी बदगुमानी में पड़ गई हो। मैं तो अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो महीने बीत गए एक दिन भी हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक ना देखी। मैं पूछ सकती हूँ किन ख्यालों में डूबे रहते हैं आप? क्या बताऊँ कभी कभी दिल उचाट हो जाता है मेरा। दिल? ओह ये किसकी याद है जो दिल में चुटकियाँ ले रही है? बताइए आपको बताना ही पड़ेगा मैं पूछ कर ही छोड़ूंगी। मगर कोई बात हो तो बताऊँ। तुम अपनी खुशगवार जिंदगी को मुसीबत में बनाओ आशा। मैं खुद खुद कर मरने से एक दिन की मौत को बेहतर समझती हूँ। मोहन बाबू को दासी का परिणाम। एक दिन मैंने दामन फैलाकर आशा को सुहागन बनाने के लिए मुराद मांगी थी। आज हाथ जोड़कर उसके लिए खुशियां मांगती हूँ। पति के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट पत्नी के लिए स्वर्ग बन जाती है। हो सके तो आके व्याकुल मन को शांति दीजिए। मैं आपके इस एहसान को उम्र भरना आ गई आशा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चले झूला झूले। झूला? किसकी चिट्ठी आई थी? चिट्ठी? मैंने डाकिये को देखा था। हाँ वो मेरे एक दोस्त का खत था। दोस्त? कौन है वो खुशनसीब? एक ऐसी हस्ती जिसकी मैं पूजा भी करूँ तो कम। अच्छा जी मर्द है यार? अगर मर्द कहूँ तो मैं समझूंगी हुजूर ने झूठ बोला है। सरासर झूठ बिल्कुल सफेद झूठ। आशा आशा हड्डी अपनी जगह पर बैठ तो गई है मगर जुड़ने में 6-8 हफ्ते और लग जाएंगे। ऐसी हालत में मरीज को एकदम आराम की जरूरत है। बहुत बेहतर मगर इसमें खतरे की तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। तसल्ली रखिए सब ठीक हो जाएगा। वेल माय चाइल्ड हाउ डू यू फील नाउ? थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा बाबा। अच्छा मैं चलता हूँ जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय डॉक्टर। डॉक्टर कहता है हड्डी अपनी जगह पर बैठ गई है। 2-4 हफ्ते में तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगी बेटा। पिताजी पूरे 24 घंटे से परेशान हैं आप। घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए ऐसा ना हो तबीयत फिर से खराब हो जाए। नहीं बेटा मैं अब बिल्कुल अच्छा हूँ। आशा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आशा की देखभाल के लिए मैं 2-4 दिन और यहाँ ठहर जाऊंगी। आप जाकर आराम कीजिए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ बेटा।
कल सुबह तुम्हें देखने आऊंगा। मैं जा रहा हूं बेटा, आशा का ख्याल रखना, उसका दिल बहलाना बहुत जरूरी है। जाओ अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब कैसी है तबीयत आशा? मरी नहीं हूं अब तक, मुझे अफसोस है तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी ना हुई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आशा, क्या हुआ है तुम्हें? सर फिर गया है, मार डालना ही चाहते हो तो गला क्यों नहीं घोट देते मेरा? अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुल्म? मैंने क्या जुल्म किया है तुम पर? मैं बहस करना नहीं चाहती, मेहरबानी करके मेरे कमरे से फौरन चले जाओ। मोहन बाबू के साथ तुम्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था आशा। मैं अपने घरेलू मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। आधी रात को तकलीफ देने आई हूँ, दरअसल मैं इस नाचाकी की वजह दरियाफ्त करना चाहती हूँ। यह हादसा आपकी गफलत से हुआ था? जी नहीं, किस्मत खराब थी मेरी, मुझे अफसोस है मैं आपकी बहन को सुख न दे सका। आप चाहें तो उसे आज भी सब कुछ मिल सकता है। मेरा बस चले तो मैं आशा को सोने के सिंहासन पर बिठाकर दिन रात पूजा करता रहूं, मगर मगर क्या? आपको साफ साफ बताना ही पड़ेगा। मेरे दिल का जख्म आज तक ताजा है देवी, मैं आपकी तरह अपने दिल पर पत्थर रखने में नाकाम रहा। तो क्या इस बेचारी की जिंदगी रोते धोते ही गुजर जाएगी? ये मेरी बदकिस्मती है, मैंने इस दिल को 100 बार समझाने की कोशिश की मगर ये कमबख्त नचलने से दाग नहीं आता। क्या करूं, किसी की याद किसी की बदनामी का बायस बनती जाती है। अगर उस याद की लाज रखना है तो अपने आंसुओं को पी जाओ मोहन बाबू, ये अनमोल मोती एक नाचीज की खातिर लुटाना नहीं। उमंग कराया हुआ तूफान कोई नहीं रोक सकता देवी, इंसान लाख कोशिश करे मगर पत्थर नहीं बन सकता। रोने से हमको रोकने आए थे वो, मगर बेइख्तियार उनके भी आंसू निकल पड़े। ओ, राजन्यास की बातें हो रही हैं, और वो भी आधी रात को अकेले में। ऐसे हमें पता यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक हरजाई दूसरा चोर, हट जाओ मेरे रास्ते। आज मैं इस जलाब से फैसला करके छोड़ूंगी। अच्छा कामनी, तू वापस आ गई बेटा? हाँ पिताजी। परेशान नजर आती हूँ, क्या हाल है आशा का? मैं उसी को देखने चला था, कहो रात कैसे कटी? ये ना पूछिए पिताजी, कल रात उस मैदान ने फिर अपनी जान को खराब कर लिया है। क्या कहा? डॉक्टर कहता है अब टांग छोटी हो जाएगी। नहीं नहीं, अपनी सारी दौलत लुटा कर भी मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा, चलो मेरे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं उस घर में ना जाऊंगी। मालूम होता है आशा की देखभाल में तुमने गफलत से काम लिया है।
बीमार बहन की हिफाजत करना तुम्हारा धर्म था बेटा। अगर कोई मेरी दोनों टांगे काट कर भी उसे अच्छा कर सकता है तो मैं तैयार हूँ पिताजी। मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। न रो मेरी बच्ची, भूल इंसान ही से होती है। चल, आशा के दिल को धारस देने के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। जलती हुई आग पर तेल डालना अच्छा नहीं पिताजी। अब मैं आशा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मगर तूने उसकी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसे ये भी जानना चाहिए। वो तो मेरा फर्ज था। आशा मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। फिर हमें उसके शक को दूर करना ही पड़ेगा बेटा। आशा की टूटी हुई टांग जुड़ सकती है, तुम्हारा टूटा हुआ दिल कोई नहीं जोड़ सकता। चलो मेरे साथ। पिताजी मैं सच कहती हूँ, इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं। भगवान के लिए मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। अगर आशा तुम्हें अपना दुश्मन समझती है तो मुझे बेहद अफसोस होगा। अब मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। आज मैं अपने खून का रंग देखकर छोड़ूंगा। आशा, ये सब क्या है? क्या उद्धम मचा रखा है घर में? एक तरफ पति हैरान, दूसरी तरफ बहन परेशान। चार दिन बिस्तर पर पड़े रहने से कौन सा काम बिगाड़ने वाला था तेरा? किसने कहा था उठने के लिए? घर में चोर घुस आया था, उसे पकड़ने चली थी। चोर? कौन था वो चोर? भाग गया है। काम नहीं से तुझे क्या शिकायत? उसी से पूछ लीजिएगा। तू समझती है ये चोट उसी की वजह से लगी? इससे पहली चोट भी उसी की वजह से लगी थी। मैं बार बार कामनी के हाथों चोट खाने के लिए तैयार नहीं। नादान लड़की, तुझे अपनी बहन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। और बड़ी बहन को भी छोटी बहन का दिल दुखाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तू बेहद गुस्ताख हो गई। क्या कसूर हुआ उस बेचारी से? जो होना था हो चुका। हालत ज्यादा ना बिगड़ जाए अब इस बात की फिक्र करनी है मुझे। मैं दीदी के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। जब तो तू मेरे बगैर भी जिंदा रह सकती है बेटा। ठीक है, भगवान तुझे आबाद रखे। मैं पराया धन हो जाती है। भूल करते हैं वो माँ बाप जो ब्याहता बेटी के दुख सुख में शरीक होने की कोशिश करते हैं। इतनी नाम रख बेटा, अब हम तेरी जोड़ी में कदम न रखेंगे। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप चिकित्सा दिल कहां से आ रहे हैं? क्या हाल है आशा का? उसका दर्द कम हो ही नहीं। आशा के दर्द को मैंने अपने सीने से लगा लिया है बेटा। शुक्र है मेरी बच्ची को शांति तो मिली। आपकी टांगे कांप रही हैं, क्या बात है? अब ये टांगे मेरी नदामत का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। खुशनसीब हो बेटा जो मैं घर तक पहुंच गई। पिताजी, 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 पिताजी। म्यूजिक को
कामनी आशा की विदाई पर लड़कियों ने एक गाना गाया था, तुम्हें याद है वो गाना? याद है पिताजी। मुझे सुनाओ बेटा, आज मैं उसकी याद को ताज़ा। अगर हो सके तो ये काम किसी और से करवा लीजिएगा। आजकल मेरी हालत एक पागल इंसान से कम नहीं। मैं जानता हूं आपकी परेशानी। सेठ हीरा चंद की बीमारी का मुझे भी अफसोस। बीमारी क्या हुआ है उन्हें? आपको मालूम नहीं, वो बेचारे तो 4 महीने से जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। 4 महीने? मैं कितना मूर्ख हूं, जिस फरिश्ते ने मुझे सहारा दिया
मैं उसी को भूल बैठा। माफ कीजिएगा, मैं अभी उनके पास जाना चाहता हूँ, इसी वक्त। जरूर जाइए, हो सकता है उन्हें आप ही का इंतजार। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मोहन मेरे बच्चे, मैं नदामत से जमीन में गड़ा जाता हूं, शर्म से पानी पानी हो जाता हूं। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? कसूर तो हमारा है बेटा, हमने तुम्हारी सेज पर फूलों के बदले कांटे बिछा डाले। अंजाम मालूम होता तुझे भूल कभी ना करते। चार ही दिन में ये हालत हो गई, जिंदगी कैसे काटोगे? क्या अर्ज करूं, उम्मीद की एक नन्ही सी किरण फूटने में सिर्फ चंद दिन बाकी, मगर उस खुशी की घड़ी के आने से पहले आशा को एक ऐसे हमदर्द की जरूरत है जो उसे ममता का सबक सिखा सके। हो सकता है मां बनने के बाद वो मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। भगवान करे वो नन्ही सी जान गंगा जमुना के मिलाप का बायस बन जाए। बेटा मैंने सुना है आजकल तुमने काम काज से भी मुंह मोड़ रखा है, संगीत का देवता संगीत से नफरत करेगा तो संगीत की दुनिया वीरान हो जाएगी। ये भूल जरूर हुई है मुझसे, मगर अब दिल के तार बजें न बजें आवाज जरूर निकलेगी। मैं अपनी खामोश जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी होगी, बेहद खुशी। 1 2 3 1 2 3 आज तेरी दीदी तेरी बनाई लेने आई है। ये क्या ढोंग है? ढोंग? नहीं नहीं, मैं तेरे होने वाले बच्चे की बधाई देने आई हूँ। भगवान वो शुभ घड़ी जल्द लाए। आ मैं तेरी आरती उतारूं, तुझे तिलक लगाऊं। अब तेरे छल परे मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बोल, ये भेद किसने बताया है तुझे? आशा, किसकी इजाजत से मेरी जोड़ी में कदम रखा है तूने? मैं तेरी बहन हूँ आशा, तेरी दीदी। ऐसा मुझक अच्छा नहीं होता मेरी लाडली। शट अप, वापस चली जा मैं कहती हूँ। आज क्या हो गया है तुझे? घर में आए हुए को जलील नहीं किया करते आशा। ऐसा मान जो मैंने तुझे ठोकर नहीं मारी। अब चोर चक्कों की यहाँ दाल नहीं कर सकती। चोर? मैं आज तेरी गलत फहमी को दूर करके ही छोड़ूंगी। तूने अपनी दीदी को बिल्कुल गलत समझा है आशा। मैं चोर नहीं हूँ, तू जो कुछ भी है मेरी नजरों से दूर हो जा। Thank you.
मालूम होता है आज फिर कोई जलजला आया है इस घर में। पूजा की थाली इधर बिखरी पड़ी है और तुम इधर तनी खड़ी हो। बताओ कामनी के साथ क्या बदसलूकी की है तुमने? तुम कोई वकील हो, हाकिम हो, गवर्नर हो, क्या हो? मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। मुझे बेहुदा बकवास सुनने की आदत नहीं। तुझे बताना ही पड़ेगा, मैं पूछ कर ही छोड़ूंगा। ओह, मालूम होता है तुम मारने मरने पर आमादा हो। छोड़ दो मुझे। तेरी अकल पर पड़ा हुआ पर्दा ना हट सकता है ना हटेगा। आज तूने उस देवी का अपमान किया है जो गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल है। एक हरजाए दूसरा चोर, जबान खोलने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लिया होता। और तूने भी कभी हकीकत को समझने की कोशिश की होती? मुझे उस देवी से तेरे अपराधों की क्षमा मांगना पड़ेगी। ठहरो, घर से बाहर कदम रखा तो अंजाम अच्छा ना होगा। जो कयामत आने वाली है वो एक दिन आकर ही रहेगी। अब मैं तेरे गुस्से से नहीं डरता। मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, घर छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ मोहन, रुक जाओ, मैं कहती हूँ। बचाने में कामयाब ना हो सके। अब इस मासूम की परवरिश सिर्फ आप कर सकती हैं। और इस तरह मैंने अपनी महमूद बहन की आखिरी निशाने को अपने सीने से लगा लिया और इस नन्ही सी जान की परवरिश की जिम्मेदारी मैंने अपने कमजोर कंधों पर उठा ली। भगवान का शुक्र है आज मैं अपने फर्ज से सुखदोष हो गई हूँ। माफ कीजिएगा मदन, दो घंटे से रो पीट रहा है। ये उस वीरान घर में अपनी माँ को खोजता फिरता था। आप ही बताइए मैं इसकी माँ को कहाँ से ला सकता हूँ? खामोश हो, एकदम खामोश। तू वहां से क्यों चला आया है बेटा? ये तेरे पिता है, अब तुझे इन्हीं के साथ रहना होगा। याद रख, अगर तू फिर रोएगा तो मैं तुझसे कभी ना बोलूंगी। ले जाइए, अब ये बिल्कुल नहीं रोएगा, और अगर रोए तो जबरदस्ती ले जाइए। हाय राम, तू क्या करना चाहता है? मदन, मदन,